आज हम डिस्कस करेंगे मोर ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। हम देखेंगे कि मोर ऑन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम मोर ऑन में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है एब्जॉर्प्शन होती है फूड की। ठीक है, एब्जॉर्ब कैसे फूड फूड जो है हमारे पास होती है, एब्जॉर्ब फूड होती है कहाँ पर होगी, ब्लड में। ठीक है, इस सारे प्रोसीजर को समझने के लिए हम ईलियम जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, हमने पहले जो स्टडी किया था स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था जिसे हमने ड्यूडिनम जिजनम और ईलियम स्टडी किया था। ईलियम वो पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास सिक्रीशंस होती है, ये वाला पार्ट। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक डायग्राम ले आते हैं जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि फूड जो है वो ईलियम में कैसे एब्जॉर्ब होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि वो फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में एनर्जी सप्लाई कर सके। जी, ये हमारे पास डायग्राम आ गई है जो कि ऑलरेडी लेबल है, हमने लेबल की हुई है। ठीक है, हमारे पास जो इंटेस्टाइन है उसके, ये जो हमारे पास पूरी इंटेस्टाइन है, ये पूरी जो आपके पास आ रही है इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास अंदर वाला स्ट्रक्चर है, इसके पास ब्लड सप्लाई है, ये वेन्स है, ठीक है ना, लीवर की तरफ जो जाती है हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो मटेरियल होता है, जेली लाइक मटेरियल कह सकते हैं आप, वो जो कवरिंग है या लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, लेयर होती है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। इसके जो मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं उसको हम कहते हैं मसल लेयर कहते हैं। ठीक है, इसी के अंदर इलियम जो लास्ट पार्ट है इसके अंदर हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये आपको नजर आ रही है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम विल्लाई कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का, विल्लाई है। ठीक है, अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इस डायग्राम के थ्रू हम इलियम देख रहे हैं जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, वो करेगा क्या, एब्जॉर्ब करेगा फूड को। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम फिंगर लाइक, जिस तरह हमारी उंगली होती है उसी तरह का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है, फिंगर लाइक, ठीक है, प्रोजेक्शन होता है आउटग्रोथ, कोई चीज उभरी हुई हो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये वाली, ये क्या है हमारे पास, विल्लाई है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारे पास होता ये है कि हमारे पास सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्ब करने के लिए जगह इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया है हमारे पास, किसका, इंटेस्टाइन का। ठीक है, इस पूरी इंटेस्टाइन का एरिया इंक्रीज हो गया है जिससे फूड जो है ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगी ब्लड में। ठीक है, और ये इनर वॉल के अंदर होती है। ठीक है, अंदर वाली जो वॉल है उसके अंदर होगी, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, इसकी जो इनर वॉल्स है यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विल्लाई कैसे इन चीजों को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, हम एक और डायग्राम ले आते हैं। जी, ये हमारे पास एक और लेबल डायग्राम आ गई है। ठीक है, ये विल्लाई की है जिसे हमने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहा है। इसके अंदर हमारे पास कैपिलरीज मौजूद हैं, कैपिलरीज वो स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हमारे पास टिश्यूज के या किसी भी ऑर्गन के अंदर गई होती हैं, ये आपको नजर आ रही है। इसके अंदर ब्लड मौजूद है। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, ब्लड मौजूद है। ठीक है, और ये लेक्टील है, लेक्टील हमारे पास वो वेसल होती है जिसके अंदर हमारे पास टिश्यू फ्लूइड मौजूद होता है, और ये जो होता है ये लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ा होता है। ठीक है, इसे हम टिश्यू फेल्यूड कहते हैं। आपको ऊपर से डायग्राम दोबारा दिखा देते हैं, ये देखिए जो हमने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हमने विलाई कहा था, ये उसका अंदर वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये उसका डिटेल स्ट्रक्चर है जो कि हमने स्टडी किया है। ठीक है, अब होगा क्या, क्या किस तरीके से यहाँ फूड एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, देखिए हमारे पास ब्लड है। ठीक है, ब्लड हमारे पास कहाँ मौजूद है, कैपिलरीज में। ठीक है, कैपिलरीज में क्या है हमारे पास, ब्लड मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर अब होना क्या है, हमारे पास एब्जॉर्प्शन होनी है, फूड जो है वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगी किसकी, डाइजेस्टेड फूड की, जो हमारे पास फूड डाइजेस्ट हो चुकी है जिसे एंजाइम ने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया है, वो यहाँ एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, यहाँ पर जो फोल्ड्स हैं इसके अंदर आपको नजर आ रही है ब्लड सप्लाई, तो ये इससे इंटरेक्ट करेंगे इस विलाई के अंदर वाले पोर्शन से और फिर फूड जो है यहाँ पर अंदर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से फूड अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, विलाई जो है वो हम जमा कहते हैं। ठीक है, ये एक प्लूरल है, बहुत सारी जो हों तो वो हमारे पास विलाई होती है, सिंगुलर को हम विल्लस कहते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर होता है इसका। ठीक है, मीन वाहद जो है वो विलस होती है। ठीक है, इससे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, प्लस हमारे पास कैपिलरीज के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, यहीं पे लिख लेते हैं हम, लेक्टील होती है। ठीक है, डायग्राम में भी आपको नजर आ रही है। ठीक है, लेक्टील है, इन दोनों में ही हमारे पास डाइजेस्टेड फूड क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है,
अब इसमें हमारे पास कुछ डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो होते हैं मौजूद अमाइनो एसिड, कौन कौन सी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं या कौन कौन से हमारे पास जो हैं फूड के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड ग्लूकोज, जैसे कि मैंने लिखा, ये हमारे पास प्रोटीन का पार्ट होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट होते हैं, ये हमारे पास एब्जॉर्ब होते हैं कैपिलरीज में, ठीक है। कैपिलरीज में यहाँ भी लिखा हुआ है, हमने कैपिलरीज लेबल किया हुआ है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यूं कर देते हैं, ये देखें कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। ये सारी फूड यहाँ एब्जॉर्ब होगी, ये जो आपको ब्लड सप्लाई नजर आ रही है, ठीक है। फिर वहां से ये जाएगी लीवर में, ठीक है, जो कि हमने डायग्राम में देखा था हेपेटिक पोर्टल वेन। वहां से हमारे पास टॉक्सिन, जो अगर हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक मटेरियल एंटर हो गया है तो टॉक्सिन रिमूव होगा, ठीक है। जो लीवर होता है हमारे पास ब्लड को साफ करने का काम करता है, और अगर फूड हमने ज्यादा खा लिए तो वहां पर फूड स्टोरेज भी हो जाएगी, ठीक है। फूड स्टोरेज हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। अब जो हमारे पास हेपेटिक लीवर जो है, वो हेपेटिक वेन जो है, वो आगे ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को, ठीक है। वेन जो होती है वो ब्लड वापस लेकर आती है हार्ट हार्ट की तरफ, ठीक है। वो हम हार्ट के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो लैक्टील होती है हमारे पास, जिसको हमने यहाँ लेबल किया हुआ ये वाला पार्ट, इसके अंदर हमारे पास कौन सी फूड एब्जॉर्ब होगी? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जो कि हमारे पास पार्ट हैं किस चीज का? लिपिड्स का, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ठीक है। ये किस चीज का पार्ट है हमारे पास? ये पार्ट होते हैं हमारे पास लिपिड्स का। जो हम ऑयली फूड खाते हैं वो लिक्टील में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और जो हमारे पास ग्लूकोज अमाइनो एसिड है वो कहाँ एब्जॉर्ब होती है? कैपिलरीज में। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो यूं बॉडी जो बॉडी को जो है वो फूड सप्लाई होती है। अब ये लीवर की ये डायग्राम हम दोबारा से देख लेते हैं कि हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है। ये देखें, जो हमारे पास यहाँ पर विलाई में एब्जॉर्बेंस होगी कैपिलरीज में, तो ये वाली वेन जो है ये ब्लड लीवर में लेके जाएगी, लीवर से जिस क्लीन होके हार्ट में जाएगा। यहीं पे हम लिख लेते हैं कि बाद में लीवर से कहाँ जाएगा? ये हार्ट में सप्लाई होगा, ठीक है। तो यूं आज हमने डिस्कस किया है कि कैसे जो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड में फूड एब्जॉर्ब होगी, और कौन कौन सी फूड जो है वो कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होगी, कौन कौन सी जो है वो लिक्टील में एब्जॉर्ब होगी। तो आज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब और एब्जॉर्बेंस को डिस्कस किया।